नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा बिजनेस जिसे आप अपने घर से शुरू करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। पेपर लाइन से रिलेटेड ये बिजनेस है और आसानी से आप हर कहीं कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं ये बिजनेस क्या है और इसे कैसे शुरू करना है। तो चलो शुरू। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी और हम आपके लिए आज लेके आए हैं नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में कि कैसे शुरुआत करते हैं, क्या मशीनरी रिक्वायर्ड होता है उसका और कैसे कैसे पूरा नोटबुक तैयार होता है। तो चलिए आज हम बताते हैं कि पहली मशीन क्या होता है। सबसे पहले ये हमारे पास रोल्ड पेपर है, ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास पेपर है। इसके साथ हमने इंडेक्स पेपर साथ लगा के और काउंट करके हमने पहले नोटबुक तैयार करना है। आप ये देख सकते हैं, ये पेपर है, बीच में हमने इंडेक्स लगाया है और ये टाइटल पेपर है। ये सारी चीजें हमने काउंट करके पहले तैयार कर लेनी है। तैयार करने के बाद ये मशीन आती है हमारी स्टिचिंग, फोल्डिंग एंड स्क्वेयरिंग मशीन। ऑटोमेटिक स्टिचिंग, आपका ऑटोमेटिक फोल्डिंग होगा और ऑटोमेटिक स्क्वेयर होके बाहर निकलेगा। हमने यहाँ पे तैयार करके रख देनी है। यहाँ पर हम ऑटोमेटिक फीड करेंगे, इसमें ऑटोमेटिकली स्टिचिंग करके, फोल्डिंग करके और स्क्वेयरिंग करके बाहर निकाल देनी है। एंड में हमारी ऐसे की कॉपी तैयार होगी, पूरा स्क्वेयर होके आप देख सकते हो पूरा ऐसे का तैयार होगा सारा। तैयार होने के बाद एंड में जो हमारा वेस्ट पेपर इधर आ रहा है इसको हमने कटिंग करना है। कटिंग आप हमारे पीछे देख सकते हो, ये पेपर कटिंग मशीन है प्रोग्रामेबल। इसमें हमने सारे कंप्यूटर में साइज फीड कर देने हैं, कितने बाय कितने मीटर हमें चाहिए कटिंग, और फीड करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली मेजर करके हमारा कटिंग तैयार हो जाए। एंड में हमारा फिनिश्ड कॉपी तैयार होगा, तो वो आप देख सकते हो इधर। जैसे हमारा फिनिश नोटबुक तैयार हो गया सारा, A4 का बनाना है, A4 का छोटा बड़ा जो भी कॉपी है वो सारा तैयार हो जाता है इसमें। जैसे देख सकते हो पिन सारा आपका सेंटर में आता है, बराबर पिन लगता है सारा, पूरा एक्यूरेट आपका पिन सारा तैयार होता है। और उसके बाद अगर आप पैकिंग की बात करते हो, अगर आपने लेमिनेशन वाला पैक करना है तो आप उधर देख सकते हो, लेमिनेशन वाला मशीन है। इसमें आपको मैं दिखा दूँ, जैसे कोई सैंपल रेडी हुए हैं ऐसे। जैसे लेमिनेशन वाला रैप किया होगा सारा, श्रिंक रैप करने के लिए ही आपका लेमिनेशन वाला रैपिंग होता है, श्रिंक रैपिंग मशीन है ऐसा। इसमें इधर से आपका रोल आ जाता है, ये जैसे रोल लगा हुआ है, आपने इसके बीच इधर कॉपी डाल दी, इधर डाल के तो आगे लेके जाके इधर ऐसे रख के ऊपर से प्रेस कर देना, तो इसने ऑटोमेटिकली श्रिंक रैप कर देना। एंड में अगर आपको पट्टी वाली रैपिंग चाहिए है, जैसे स्ट्रिप पैकिंग जिसे हम कहते हैं, अगर वो चाहिए आपको पट्टी की रैपिंग भी कर सकते हो। ये हमारी स्ट्रिप रैपिंग की मशीन है, इसमें आप इधर रखोगे कॉपी, जितने भी बंडल आपने रखे हैं इसमें रख के ऊपर से पट्टी उधर डालोगे तो इसका स्ट्रिप पैकिंग हो जाएगी। ये भी ऑटोमेटिक मशीन है, ये पूरा सेटअप ऑटोमेटिक है। 3-in-1 स्टिचिंग फोल्डिंग मशीन है, ऑटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन है, उसके बाद पैकिंग के लिए श्रिंक रैपिंग है, एक आपका स्ट्रिप पैकिंग है। और अगर आपने स्पायरल पंचिंग करना है, जैसे आपका फाइल होती है या आपका होता है स्पायरल नोटबुक होता है वो तैयार करना है, तो आपका स्पायरल पंचिंग मशीन होगी। ये आप देख सकते हो, ये स्पायरल नोटबुक तैयार होगा इसमें, दूसरी साइड में होल लग के स्प्रिंग लगता है, वो सारा नोटबुक आपका इसमें तैयार होता है। ये भी ऑटोमेटिक मशीन है, तो ये पूरा सेटअप इधर लगा होगा। दोस्तों, नोटबुक मेकिंग मशीन में हमारे पास काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं और आज हम आपको बताएंगे मॉडल 1 के बारे में, जिसमें हमारे पास आती है सबसे पहले नंबर पे नोटबुक स्टिचिंग मशीन फुट ऑपरेटेड, जिसे हम पैर से चला सकते हैं, हमें हर बार पैर से दबाकर पेन को लगाना पड़ेगा। दूसरी मशीन आती है एज स्क्वेयरिंग मशीन ऑटोमेटिक, इसमें हमने कॉपी रख देनी है और इसने ऑटोमेटिकली नोटबुक को प्रेस करके हमारी नोटबुक को बैक स्क्वेयर कर देना है।
और तीसरे नंबर पे हमारी मशीन आती है पेपर कटिंग मशीन मैनुअल। ये हमारे पास 32 इंची में भी अवेलेबल है और 36 इंची में भी, जैसे का आपको रिक्वायरमेंट हो वैसे का आपको मिल जाएगा। और इसमें फोर्थ मशीन आता है श्रिंक रैपिंग मशीन, जो कि ऑप्शनल होता है। इसका काम होता है कि जैसे आपकी नोटबुक रेडी हो जाती है, आप उसको 5-5, 6-6 के पैकेट्स में तैयार करके उसको रैपिंग कर सकते हैं, जिससे इसका स्टोरेज करना आसान होता है। तो ये थी हमारे पास 4 मशीनों का सेट, जिसे आप लेके अपना सेटअप शुरू कर सकते हो। तो चलो वीडियो देख लो कैसे काम होता है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, ये 3 मशीन है, जिसमें आपकी पहली आती है स्टिचिंग मशीन, दूसरी आती है एज स्क्वायर मशीन और तीसरी आती है पेपर कटिंग मशीन। जैसे कि आपने इसका वर्किंग देखा कि कैसे कितना आसान है और आप इसे इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप स्टार्टिंग करने के लिए 3 मशीनों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपका बजट कम है तो आप इन 2 मशीनों को भी लेके स्टिचिंग और कटिंग को तब भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप स्टिचिंग और कटिंग लेते हैं तो इनका बजट आपका तकरीबन 2.5 से 2.75 लाख के आसपास आएगा, और अगर आप स्क्वेयरिंग के साथ लेते हो तो ये आपका 4 से 5 लाख के आसपास आएगा। स्क्वेयरिंग का ये होता है कि आपका एक्यूरेसी बढ़िया आ जाती है और नोटबुक मार्केट में ईजिली सेल हो जाती है।
तो ये थी हमारी तीन मशीनें। तो देखो कितना आसान काम है, और इसके आप इसे आप किसी भी कमरे में 10x20 का एरिया हो वहाँ पे लगा के अपना प्लांट शुरू कर सकते हैं। तो चलो अब देख लेते हैं कि पैकिंग मशीन कैसे काम करती है और कैसे नोटबुक पैक की जाती है। अब आपको बताते हैं कि कच्चा माल क्या लगेगा, कहाँ से मिलेगा और कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों, कच्चे माल में आपको पेपर और नोटबुक का कवर खरीदना होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, नोटबुक का पेपर लाइनिंग वाला पूरी तरह से तैयार मिल जाता है और नोटबुक कवर भी आपको तैयार मिल जाते हैं। आप अगर चाहें तो नोटबुक कवर पर ऑर्डर पर अपनी नोटबुक का नाम लिखवा सकते हैं, जिससे आप अपने नाम की नोटबुक मार्केट में सेल कर सकते हैं। इससे आगे चलकर आपका अपना नोटबुक ब्रांड भी बन सकता है। दोस्तों, ये कच्चा माल आपको किसी भी बड़े शहर की होलसेल मार्केट में मिल जाएगा, और दोस्तों ये कच्चा माल 50 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो तक आपको मिल जाएगा। जगह, मशीन और कच्चे माल की व्यवस्था करने के बाद आपको मैन पावर चाहिए होगी, जिसके लिए आप 2 कारीगर रख सकते हैं माल तैयार करने के लिए। अब इस काम को शुरू करने में कुल कितने पैसे लगेंगे आपको इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉफिट की। इस काम में 100 पेज की एक नोटबुक तैयार करने में आपका जो खर्च आएगा वो 9 रुपये से 10 रुपये होगा, और आप इसको अगर होलसेल मार्केट में बेचेंगे तो आपको एक नोटबुक पर 4 रुपये से 5 रुपये मिल जाएंगे। अगर रिटेल मार्केट में आप अपना माल ले जाकर बेचते हैं तो एक ही नोटबुक पर आपको 7 रुपये से 8 रुपये मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस काम में मुनाफा भी अच्छा है। एक बार आप अगर इस काम को शुरू कर लेते हैं तो आपको बस होलसेल और रिटेल मार्केट में अपने संबंध अच्छे करने होंगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा माल बेच सकें। इतना ही था आज की वीडियो में। इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। बाय दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।